ये दो मेरे से तोड़ा नहीं जाता। सुबह सुबह का बहुत प्यार मिलता है मेरे को। सुबह सुबह पिस्ता खाया, फिर उसको थोड़ा सा डॉग के बारे में सिखाया, एडिटिंग के बारे में। अभी मैं जिम जाऊंगा, और उससे पहले मैं कुछ बोलने का था बट मैं भूल ही गया। हाँ, कभी कभी लोग में इतना सीरियसली ले लिया लोगों ने मेरी बातों को कि आज एक घंटा होने से पहले 400 कमेंट्स हो गए। बढ़िया, एकदम अच्छा लगता है ऐसा देख के, लोग बात सुनते हैं वो। ये सारा सब कुछ हम छोड़ दे, वेलकम बैक टू द चैनल YouTube। और मेरे को बता दो आप सारी कैसे से तो मैच कर रहे हैं ना दोनों। हाँ बहुत सही। अरे मेरे को बता, तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। कल के ब्लॉग में बताना भूल गया ये, कल मैंने कैप लिया मैक्स से नया, एक और कैप लिया, बताता हूँ बाद में। अच्छा लग रहा है ना, इसका क्या मतलब हुआ? अब तुम सारे मेरे पोकेमोन हो। क्या है भाई, पर्सनालिटी टेस्ट है? करता है तुम? करता है तो करो। अच्छा मेरे को मेरे फोन में कर देगा। इतना सारा लिखा है, मैं इतना बड़ा सारा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम्हें पढ़ के सुना। बहुत लंबा टेस्ट दिया भाई लोग, खड़े होके दिया धूप में। ये एक चीज है अपन ने। अरे एकदम एक्यूरेट होता है, तुम खुद से पढ़ेगा तो तुमको ज्यादा वो समझ। नहीं नहीं तुम समझाओ, तुमको क्या लगता है? तुमसे प्यार तो है, तुमको पता है किस लिए ऐसा? इंग्लिश पढ़ने के लिए पता है। बोर्ड बुक पढ़ने का तुमको इच्छा होता है ना? जब भी देखो, जब भी देखो रास्ते पे बुक मांगता रहता है, ले पढ़ पढ़। बचाओ बचाओ, पैसे निकाल कर। ए बचा बचा, पैसे दे। कल ही दिए तेरे को 1000 रुपए, दिए कल वापिस। अच्छा मैं वापिस बोल दिया। ये पैसा निकाल दिए पता नहीं किस बात के। सारा उल्टा उल्टा भी बताया तो भी तुमको कौन सा पता चलेगा तुम कौन सा पढ़ने वाला है? मेरी पगली मानेगी नहीं ना। मानेगी? पगली मानेगी ही नहीं ना। मतलब तुम्हारे जो पर्सनालिटी टाइप वाले होते हैं वो मतलब उन लोगों का स्ट्रेंथ होता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और सेंसिटिविटी। लोग मतलब कर्मा में बहुत बिलीव करते हो और तुम लोगों को इनजस्टिस देख के बहुत ट्रबल होता है अंदर से। और तुम पर्सनल इतना वियर्ड है, कल ही मेरे साथ ये सेम चीज। मैंने बोला ना एक्यूरेट है, समझते नहीं है तुमको। एक बारी में सुनो, अभी टॉक बाद में बोले ना, सुन लो। तुम मतलब मार मार के बोलता है ना। सुनो ना सुनो ना, बहुत कूल है ये वाला एडवोकेट। फोन वोन फेंकने का जाते हैं। 2 मिनट पढ़ लो, मैं कॉफी बना के लेके आता हूँ। पढ़ा पढ़ा तुमने? वाला तो तुम पढ़ के पागल हो जाएगा। क्यों? ऐसे भागेगा, ऐसे पूरे लॉन में भागेगा। बताओ तुम्हारे पर्सनालिटी टाइप वाले बहुत बार अपने आइडियाज पे, क्या कर रहे हो तुम? आइडियाज पे इतना फोकस करते हैं कि तुम लोग खुद का ध्यान नहीं देते। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम तब तक रेस्ट नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा यूनिक विजन ऑफ सक्सेस तुम अचीव नहीं कर लो। और ये माइंडसेट के वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्नआउट हो सकता है। और अगर ये होता है तो तुम्हारा जो पर्सनैलिटी टाइप है वो बहुत अनकैरेक्टरिस्टिकली इल टेम्पर्ड होता है। तो गंदे एंगल पे क्यों रखा हुआ? क्या हो गया तुमको? क्या होता है तुमको? बैठे बैठे देखते कितना एक्यूरेट है। तुमको बस ये याद रखना है कि जब तक तुम मतलब बिजी है बाकी पूरी दुनिया का ध्यान रखने में, तुमको अपना ध्यान भी रखना चाहिए। समझा? समझा? यही सब चीज़ों को बोलती है कि मैं सही। तुम्हारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखते हैं। स्ट्रेंथ्स क्रिएटिव, इंसाइटफुल, प्रिंसिपल्ड, पैशनेट, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में देखते हैं। अब पता चलेगा सारा सच। मतलब तुम वेट करते हो एक परफेक्ट पार्टनर का,
क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, बट अल्टीमेटली तुमको वो मिलता है। चेंज किया क्या तुमने? नहीं मिलता है को मिलता है बोल दिया ना, है ना? मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप पार्टनर मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप पार्टनर आया, मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप पार्टनर। किसी को लेके जाओ गंजे को। तो अर्ली मॉर्निंग तुमको इतना पढ़ के बताती हूँ मैं, तुमको मस्ती करने का चढ़ा हुआ इधर। तुम्हारे पर्सनैलिटी टाइप को नहीं पसंद है जब लोग तुमको चेंज करने का ट्राई करते हैं या फिर ऐसे किसी चीज़ में मतलब तुमको कन्विंस करने का ट्राई करते हैं जिसमें तुम बिलीव नहीं करता, तो उसके वजह से तुम्हारा जो पर्सनैलिटी टाइप है वो ऐसे लोगों के टूवर्ड्स ग्रेविटेट होता है जो तुमको अप्रिशिएट करते हैं एज यू आर। ग्रेविटेट हो रहा है ना? हाँ सच्ची, ओ फक, ये अभी तक का सबसे एक्यूरेट नहीं है। इसके पहले जो तुमने फालतू की करवाया मेरे को, तू हर बार यही बोलता है कि ये बहुत एक्यूरेट है। क्या है इसमें, क्यों करते है पिछले वाले को? तभी तुम इंसान भी अलग हो सकता है ना। तुम यही टेस्ट अभी 4 महीने बाद लेगा तो तुम्हारा रिजल्ट अलग निकलेगा, तुमको ये चीज पता है। तो अभी मैं जिम निकल रहा हूँ अपना रियलिटी सारा रिया से पढ़वा के, फिर ऐसे मैं फ़ोन में टाइम चेक कर रहा था तभी नोटिफिकेशन आया तो मैंने ये कमेंट पढ़ा। तो इसी बात पे बस एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, है ना, ऐसा दिमाग में आ रहा था कि कुछ लोगों को नंबर्स में नंबर्स दिखा, कुछ लोगों को नंबर्स में तरक्की दिखी, अपने को तो नंबर्स में खाली प्यार दिखा भाई। ओ लुक एट दिस, बोलो वाह वाह फकिंग शिट, अच्छा चीज बोल लिया। चलो आया जिम करके आया। बड़ा क्यूट लग रहा है नए ड्रेस में। आज मैं इतना खुश हो गया जिम में कि मैंने 100 का रैक पुल मारा, तुम लोग भी देखो। रेज वाला फीलिंग आया, बट फिर मालूम पड़ा कि मैंने ग्रिप अलग पकड़ा हुआ है, कि अभी तक मैं जितने बार भी रैक पुल मारता था ना 100 पे तो मैं 3 से ऊपर जा नहीं पाता था, बट आज 10 मारा तो मैं खुश हो गया। फिर अच्छा हुआ मैंने सर को भेज दिया, तो सर ने बताया कि रैक पुल में ग्रिप अलग रहता है, फिर भी कम से कम 7 तो मार सकता था अगर 10 ऐसा खींचा है तो नॉर्मल ये ग्रिप में। और बाकी तुम लोगों को एक और चीज बतानी है कि मेरा सर 16 वीक्स का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज एक लेके आए हैं जिसमें तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, खाली 10 स्लॉट है कि नहीं मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसमें। 16 वीक तक तुम लोग को डाइट मिलेगा, तुम लोग को वर्कआउट मिलेगा तुम लोग को करने का, और अगर तुम लोग जीते तो तुम लोग को 15,000 तक का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मतलब ये वैसा वाला चीज होगा कि 16 वीक्स तक तुम लोग ऐसा डेडिकेटेड हो किसी के टूवर्ड्स, हारना जीतना एक तरफ है बट जो भी है आफ्टर 16 वीक्स तुम लोग जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसका तुम लोग को रिजल्ट तो मिलेगा, तो तुम लोग वो जीत रहे हो, है कि नहीं? 15,000 का हैम्पर बांधने का बात है ना, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो उसके हिसाब से सबको अलग अलग मिलेगा। 16 वीक्स तक हर वीक में
लाइव सेशंस होंगे जिसमें बहुत सारा बात होगा कैसे इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करना है। मैं भी रहूंगा, वो मैं सारा तो नहीं अटेंड कर पाऊंगा या कर भी पाऊंगा मुझे पता नहीं है, वीक में डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे होता है, बट कभी ना कभी तो मैं तुम लोगों को मिल जाऊंगा। जितना भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तुम लोगों को मिल जाएगा वहां से, है कि नहीं, तुम लोग जाके देख सकते हो, पार्टिसिपेट करो। मैं तुम लोगों को कर हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि अच्छा है ना। 16 वीक के बाद अगर बॉडी बन जाता है तुम लोग का, जो भी है जो भी स्टेट है वहां से तुम लोग अगर चेंज हो जाते हो तो अच्छा है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब तुम अगर एकदम ऐसा फैट्स वाले हो तो तुमको एकदम मस्कुलर बनने है, तुम्हारे हिसाब से तुम कितना ट्रांसफॉर्म करते हो उसके ऊपर से जज होगा इवेंट, जाके करो। मैं तुम लोगों को अपन मिलते हैं वहां पर भी, अभी मैं मस्त में प्रोटीन जमाता है, फिर रिया के साथ उसको शूट करने गए, उसका एक रील वो शूट करते हैं, फिर रिहैश पे कार्गोस ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि कार्गोस के बहुत सारे हम लोग को इंक्वायरीज आ रहे थे तो हम लोग ने कार्गोस ढूंढ के लाया, फिर वो करते हैं, आता हूँ मैं तुम लोग को बताता हूँ। जस्ट हम लोग ने रिया का रील शूट किया, थोड़ा बहुत फोटो खींचा और ये कार्गोस के अभी शूट कर रहे हैं हम लोग। अल्टीमेटम्स, this is it, okay, मैं शूट करके आया, follow rehash new hash, you'll find amazing collection only here and here, right, आया खाएगा खाएगा तुम्हारा भाई भी खाएगा, 15 तारीख को खाएगा, इंडिपेंडेंस डे है। और अगर तुम लोगों बहुत पहले से जानते हो तो तुम लोगों को पता हो 15 तारीख को और क्या है। और बाकी एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि मतलब मैंने बोला हमारा डिस्कशन हुआ 500 कमेंट्स का, 1000 क्रॉस कर लिया कमेंट्स, मतलब है अपने तो बात है, अपने भाई लोग जज्बाजी तो है कि जज्बाजी तो बहुत, मतलब अपनी तरफ से जितना हेल्प कर सकते पूरा जान लगा के करते है ना। तो एकदम ज्यादा थैंक यू सब लोगों को। बाकी आज मेरे को मेरे पर्सनालिटी के बारे में सीखने मिला, जो वो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तुम लोग खुद का भी चेक कर सकते हो, चेक करके बताओ अगर तुम लोग कूल कुछ पता चलता है तो। मेरा कैरेक्टर जॉन स्नो है, उसमें कैरेक्टर भी दिखता है बहुत सारे, ऐसा मदर टेरेसा, जॉन स्नो, ये नेल्सन मंडेला। तुम्हारा क्या था? कैप्टन जैक स्पैरो और टिरियन लैनिस्टर है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स। ओह माय गॉड, आई एम टिरियन हूं, तुम जॉन स्नो है। हां ये अभी इससे पहले मैंने सोचा नहीं था ये। फक, तुम छोटा भी है ना इसीलिए खिला दूंगी, पागल है क्या? बाकी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हर 6 महीने में चेंज होता है और बहुत एक्यूरेट है। तुम क्रीपी ने एक्यूरेट होता है। हाँ, मेरा तो बहुत सारा चीजें जो मैंने बताया नहीं तुम लोग, तो यही वाला कैप है जो मैंने दूसरा लिया, जो मैं सुबह को बोल रहा था ब्लैक कैप के साथ लिया है ना, अब तुम सारे मेरे पोकेमोन हो। और बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को पता तुम लोगों क्या करने का, तुम लोगों करने का दुआ, अपन तुम लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज वेनसडे, आज मेरा पूरा दिन क्लासी क्लास है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कुछ शूट करने का, नहीं कर पाया तो माफ़ी दे देना, अपन इंसान है कि नहीं, अपन ट्राई करेगा पूरा दिल से। बाकी तुम लोगों को मिलते हैं अपन बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, और अच्छे का पीस पाए। बस इतना ही, अभी फ्रेंडशिप से बढ़ने दो। फ्रेंडशिप तो अपना होता ही नहीं भाई किसी है। फ्रेंडशिप तो स्पगेटी जैसे टूट गए थे। ओ, तुम लोगों को पसंद है कि तुम लोग मतलब फ्रेंडशिप्स में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी और सिंसेरिटी ढूंढ, इसके वजह से मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताती हूँ नहीं तो तुम मानेगा नहीं, एज अ रिजल्ट पीपल विद दिस पर्सनालिटी टाइप रेयरली सेटल फॉर फ्रेंडशिप्स ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस की वजह से जिन लोगों के साथ फ्रेंडशिप तुम्हारा रहता है वो इसके लिए टूट जाता है। गाइस, इससे ज़्यादा शायद झेला नहीं जाएगा।